आज का वचन परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, देखिए हम बाइबल के अंदर लिखे हुए वचनों को जब हम समझने लगते हैं ना, तो हमारे जीने का अंदाज बदल जाता है। बहुत जरूरी है, परमेश्वर चाहता है कि हम उन वचनों को समझें। जब हम वचनों को समझते हैं तो उसका जीवन हम में प्रवाह होता है। हमें ऐसा लगता है कि वाह क्या मिल गया है। मैं कई ऐसे परिवारों को जिनको मैं जानता हूं, बॉलीवुड में जब मैं था तो मैं कई ऐसे परिवारों को जानता हूं जो, और मैं अब उनकी जो हालत देखता हूं तो मुझे बहुत बहुत ही तरस आता है कि वो लोग नहीं समझ रहे हैं, वो नहीं समझ रहे हैं कि उनके जीवन को शैतान बर्बाद कर रहा है। जरा सी दूरी पर परमेश्वर है, आप जरा सा अपना मुड़ के देखेंगे तो प्रभु आपकी राह देख रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहे। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें किस तरीके का जीवन जीना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या कर रहा है, उसकी योजनाएं क्या हैं, वो क्यों हमें आज्ञाएं देता है, उसकी आज्ञाएं हमें क्या बताती हैं, वो क्यों कहता है कि हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। आज मैं आपको दान दशांश के बारे में बताऊंगा कि दान दशांश हमें क्यों देना चाहिए। मैं बहुत कम इस टॉपिक को छेड़ता हूं क्योंकि लोग समझते हैं कि पास्टर को पैसा चाहिए। मुझे आपसे एक पैसा नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरा राजा है और मैं उसका राजकुमार हूं। मुझे कोई कमी घटी नहीं है, ना मैंने आज तक मांगा है और ना ही परमेश्वर कृपा से आगे मांगूंगा। लेकिन दान और दशांश आपको किस रास्ते पर लेके जाता है, दान और दशांश किस तरीके से आपकी मदद करता है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि दान दशांश देना हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। सीधी सी बात मैं अगर आपको बताऊं कि दान दशांश, मान लीजिए आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपया आप प्रभु को देते हैं, ठीक है ना, बाकी कितना बचा 900 रुपया। 900 रुपये किसका है? आपका है। अभी हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मलाकी 3:10 पढ़िए बेटा, बहुत ही विख्यात वचन है और सबको पता है, पढ़िए बेटा मलाकी 3:10। सारे दशांश भंडार में ले आओ, सारे दशांश भंडार में लेकर आओ, किसके भंडार में? परमेश्वर के भंडार में। हाँ जी, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आमेन, आमेन। देखिए प्रभु को अपने भवन की चिंता है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप कहां बैठे हैं? आप परमेश्वर के भवन में बैठे हैं। परमेश्वर क्या कहता है कि सारे दशांश लेकर आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। आगे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। आमेन, हालेलुया। वो कहता है मुझे परखो, चेक करो कि मैं कौन हूं। कभी सुना आपने? वो कहता है जस्ट चेक मी, तुम मैं जो कहता हूं अगर तुम उसके अनुसार चलोगे तो मुझे परखो। आगे, कि मैं आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। आमेन, हालेलुया। जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। यहां परमेश्वर आपको चैलेंज कर रहा है, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गीय आशीष आपको मिले, अगर आप चाहते हैं कि अपरंपार वर्षा हो, बौछार नहीं, वो ये नहीं देख रहा कि आपके जीवन में बौछार आए सिर्फ, नो, अपरंपार वर्षा। जब तक आप उस वर्षा में पूरी तरीके से भीग ना जाएं, आपकी पीढ़ियां ना भीग जाएं, आपके बच्चे ना भीग जाएं, आपका पूरा घर ना भीग जाए,
वो आशीष परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे वो आशीष मिलती है। जब हम दशांश देते हैं, यानी कि आपने 1000 रुपए कमाया तो आपने 100 रुपए प्रभु को दे दिया, अब 100 रुपए तो अलग हो गया, कितना बचा? 90%, 900 रुपया। परमेश्वर के अपरंपार आशीषों की वर्षा किस पर होगी? 90% पर। आमेन। 100 वो 10% पर तो उसने अलग कर दिया आपने। आपको आशीष किस पर मिलने वाला है? आपके पचे पर, पैसे पर, 90% पर। और मैं आपको बताऊं कि दान दशांश हमें क्या बताता है। देखिए, परमेश्वर चाहता है उसका स्वभाव हम में आए, इसलिए परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि हमारे अंदर लालच का बीज आए, स्वार्थ का बीज आए। दशांश हमारे अंदर से लालच का पाप निकालता है, स्वार्थ का पाप निकालता है। अगर हम दशांश नहीं देते हैं तो कौन आपको रोकता है? लालच। आप दशांश अगर नहीं देते हैं तो कौन रोक रहा है आपको? लालच के, नहीं यार ये 1000 रुपए तो यार आज तो मैंने 50,000 महीना कमाया, अरे 5,000 रुपए भी देना पड़ेगा यार, नहीं यार अगले महीने दे देंगे, या इसमें से कुछ 500 रुपए दे देता हूं। तो क्या है आपके अंदर लालच? क्या है? पाप। जब पाप आपके अंदर रहेगा तो वो पाप क्या करता है? आपकी बुद्धि को बंद कर देता है। आप परमेश्वर के वचनों को समझने की बुद्धि आप में नहीं रहती, आपकी बुद्धि बंद कर दी एक छोटे से लालच ने। आप ये भूल गए कि आपको पैसा किसने दिया। क्या परमेश्वर ये कहता है कि मैं नहीं दूंगा लेकिन तू मुझे देता रहे? Praise the Lord। वो आपको देता है और कहता है उसमें से दो। हेलो, हम ये भूल जाते हैं कि जब हम देते हैं तो हम उस वाचा में बंध जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे संग बांधी है, और वो वाचा कहती है कि वो स्वर्ग से आपके ऊपर अपरंपार वर्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। इस चीज को समझना, हर कोई नहीं समझता। हर समझता है कि मैं दान दशांश बचा लूंगा तो मैं कुछ पा लूंगा। नहीं मेरे भाई, मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जो दान दशांश बचाते हैं और बीमारियों में उनका पैसा निकल जाता है, बीमारियां आ जाती हैं, खर्चे आ जाते हैं, फिजूल के खर्चे। और मैंने कई ऐसे परिवार देखे हैं जो दान दशांश देते हैं अपनी गरीबी में और वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। क्योंकि आपके जीवन को बढ़ाने वाला कौन है? प्रभु। जब तक हम उसके वचन के अनुसार नहीं चलेंगे हम आशीष नहीं पाएंगे। आप चाहे चर्च आते जाएं, यशाया 48 का 17 निकालिए, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिए आज का वचन। यशाया 48 का 17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इज़राइल का पवित्र है वो यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता है। आमेन। किसके लिए शिक्षा देता है? लाभ के लिए। बोलिए यहोवा, जोर से बोलिए यहोवा मेरे लाभ के लिए मुझे शिक्षा देता है। आमेन। यानी कि उसकी हर शिक्षा आपके लाभ के लिए है। आमेन। अगर वो बोलता सारे दशांश ले आओ तो वो शिक्षा दे रहा है ताकि आपको लाभ पहुंचे। आप इस नियम को समझने की कोशिश करिए, आपके लाभ के लिए वो शिक्षा देता है। आगे, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता है। आमेन। जिस मार्ग पर आपको, आप सोचिए, कभी आपने सोचा है कि मुकेश अंबानी कैसे बन गया? क्या इसके ऊपर ज्यादा बुद्धि है क्या? कैसे बन गया?
इसने जो योजना बनाई वो सफल हो गई। ये कह रहा था मैं ये काम करूंगा, ये बिजनेस करूंगा, ये बिजनेस सफल होता गया। आपके बिजनेस सफल नहीं हो रहे, आप उससे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप ज्यादा समझदार होंगे, आपने कहा ये बिजनेस शुरू करूंगा, नहीं चला। आपने कहा दूसरा बिजनेस शुरू करूंगा, नहीं चला। आपने कहा ये सीख लूं काम, इस काम के बहुत पैसे हैं, वो काम सीख लिया, वो नहीं चला, उसका चल गया, इसलिए उसके जो है मल्टीप्लाई होता गया। बस और क्या है? उसके अंदर आपसे ज्यादा बुद्धि नहीं है। आपकी जो योजनाएं हैं वो असफल होती गई और उसकी योजनाएं सफल होती गई। तो यहां पर परमेश्वर क्या वादा करता है कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर लेके चलूंगा जिस रास्ते पर तुम्हें चलना चाहिए। अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे जीवन में कौन सा रास्ता अच्छा है, अगर आपको पता लग जाए कि मेरे बच्चा क्या है, आप खुद सोचिए, आज अगर आप 50 साल के हैं, आप खुद एनालाइज करके देखिए कि आपने क्या सोचा था और आज आप क्या हैं। क्या मैं जिंदगी में यही करने आया था? नहीं। अब जो काम कर रहे हैं आप कंप्रोमाइज से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे भी पैदा हो गए हैं, उम्र भी हो गई है, अब आप कह रहे हैं कि चलो ठीक है यार अभी मुझे ये मिल गया। लेकिन जब आपने अपना जीवन शुरू किया था तो क्या इसी से शुरू किया था? नहीं। आपके उम्मीदें अलग थी, आपके सपने अलग थे। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप उस रास्ते पे नहीं चले, क्योंकि वो रास्ता परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए वो कहता है कि जो मैं शिक्षा दे रहा हूं वो तुम्हारे लाभ की है, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं तुम्हें चलाऊंगा तुम्हें उसी पे चलना। दोबारा पढ़ो इसका आधा भाग। मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, आगे आगे, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। आमीन। हम अपना आधा जीवन, आधे से ज्यादा जीवन बिगाड़ देते हैं यह पहचानने के लिए कि मुझे करना क्या है, कौन सा मार्ग मेरे लिए अच्छा है, कौन सी चीज मेरे लिए लाभदायक है। हम देखा देखी करते हैं, उसके पास कंप्यूटर की दुकान है मैं भी कर लेता हूं, उसके पास टायर की दुकान है मैं भी कर लेता हूं, उसके पास टैटू बनाने की दुकान है मैं भी कर लेता हूं। हम देखा देखी चल रहे हैं, हम ये नहीं जानते, हम ये नहीं सोचते, हम ये नहीं परखने की कोशिश, मुझे क्या चाहिए। परमेश्वर ने हर भाई बहन को एक गुण दिया है। आपका गुण अलग है, इनका अलग है, मेरा अलग है, इनका अलग, हर एक को गुण अलग दिया है। अगर उसकी पहचान आपको हो जाए, जब आप उस गुण के लिए मेहनत करेंगे ना तो आप अव्वल आते ही जाएंगे। आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं जो आप जिसके लिए आप नहीं बने हैं, इसलिए आपका मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप उसे जल्दी से सीख नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आप एक कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपने लाइफ के साथ। इसका 18वां पढ़ो। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। हाँ, ध्यान से सुना होता, भला होता। किसका भला होता? बोलिए मेरा, बोलिए मेरा भला होता। कब? जब हमने परमेश्वर की बातों को ध्यान से सुना होता। आगे पढ़िए बेटा। तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। आमीन। तब तेरी शांति नदी के समान होती। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप देखेंगे यिर्मयाह 17:7 कि धन्य है वो मनुष्य जो एक वृक्ष के समान है। यिर्मयाह का 17:7 जल्दी से निकालिए। 17:7 क्या कहता है? धन्य है वो मनुष्य जो, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। और वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। हालेलुया। यानी कि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, अगर आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो आप वो वृक्ष हैं कि जहां पर आप होंगे उसके पास से नदियां बहेंगी। आपकी जो जड़ है वो हमेशा नदी में रहेगी।
आपको डिपेंड नहीं है कि कौन खाद डालेगा, कौन सींचेगा, बारिश आएगी तो मेरा भला होगा। नहीं, आपकी जड़ नदी में है और वह फल फूल रही है। प्रेज द लॉर्ड। कब? अगर तूने मेरी बातें ध्यान से सुनी होती। हम दुनिया की बातें ध्यान से सुनते हैं, हम पत्नी की बातें ध्यान से सुनते हैं। पत्नी की बातें नहीं सुनेंगे तो पत्नी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। मेरे ऐसा नहीं है, मेरा थोड़ा सा दया करती है मुझ पर। लेकिन ध्यान से बातें सुनिए, ध्यान से हमें सिर्फ परमेश्वर की बातें सुननी है, वो क्या कह रहा है, क्योंकि उसकी बात कभी चेंज नहीं होती है। आपके पड़ोसी की बात चेंज हो जाएगी, आपके पति की बात चेंज हो जाएगी, आपको काम कराने के लिए आपकी तारीफ करेंगे, अरे तो आज बहुत अच्छी लग रही है, आज तो बस तूने जो रोटी बनाई है कमाल है, तूने जो सब्जी बनाई है कमाल है। फिर सेकंड डे वो सारा प्यार निकल जाता है। हालेलुया। तो सब्जी, आप ध्यान से उसकी बात सुन रहे हैं। इसका 19वां बताओ बेटे, यशाया 48 का 19वां। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता। हाँ। और तेरी निज संतान उसके कणों के समान होती। तेरा वंश, मैं उस दिन हमारे अंकल से बात हो रही थी, पीजी अंकल का नाम सुना आपने, पीजी अंकल आए थे हमारे यहाँ, तो उनका वचन एक सुन रहा था मैं। ध्यान से सुनिए, पीजी अंकल बता रहे थे कि उनसे किसी ने, उनके 5 बेटे हैं और पीजी अंकल ने 50-60 साल से वो सिर्फ प्रभु की सेवा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और उनके 5 लड़के आउट ऑफ इंडिया पढ़े। उनके 5 लड़के जो आउट ऑफ इंडिया में पढ़े, तो किसी ने पूछा कि सर आप प्रभु की सेवा करते हैं और ये 5 लड़के आपके लंदन अमेरिका वगैरह में पढ़ रहे हैं, ये कैसे होता है, कहां से पैसा आता है ये आपको? कहते आपको पता नहीं है, ये मेरे पूर्वजों ने बीज बोया था, उसकी फसल मैं काट रहा हूं। आप नहीं जानते दशांश की कीमत। आज आप बो रहे हैं, आपके बच्चे काटेंगे। वो बता रहे थे कि मेरा बाप एक जरा सा पत्ता भी अगर कुछ हो या कुछ भी लाएंगे उसका भी दशांश देते थे वो। उन्होंने आज तक दशांश में कमी नहीं रखी और आज मेरे बच्चे आशीष पा रहे हैं, लंदन अमेरिका में पढ़ रहे हैं। आप नहीं जानते हैं कि जब आप बोते हैं आप वो बीज बोते हैं जो फसल लाना ही है उसको, लेकिन हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। हम कहते हैं, हम कम से कम कहते हैं कि अभी 1000 रुपये बचा लो, अभी 500 बचा लो। अंश को जो परमेश्वर का है, हम जो दे रहे हैं ना, लोग समझते हैं कि मैं दे रहा हूं। कभी भी वह मत समझिए, आपको परमेश्वर दे रहा है तब आप दे रहे हैं। हम समझते हैं कि मैं दे रहा हूं, मैं नहीं दे रहा हूं, परमेश्वर ने दिया है। और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम दें? ताकि उसको मौका मिले कि आपके जीवन में फलवंत वर्षा करने का। आप वो मौका कमा रहे हैं, आप अपने चारों तरफ उस दीवार को खड़ा कर देते हैं। जब आप नहीं देते हैं तो उसकी आशीषें आपके जीवन में रुक जाती हैं और आपका वही पैसा बीमारियों में, खर्चों में, फिजूल के खर्चों में निकल जाता है। आप सोच ही नहीं पाते कि मुझे क्या करना है। आपके पास बोर्ड आता है, ये करूं ये करूं, और आप गलत निर्णय लेते हैं। फिर आप दोष परमेश्वर पर देते हैं क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं खुली हुई, आपकी बुद्धि नहीं खुली हुई। क्यों? क्योंकि किसने बुद्धि बंद कर दी? आपकी लालच के पाप ने। आपकी बुद्धि किसने बंद कर दी? लालच के पाप ने कठोर कर दिया आपको। और कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि यार हम पैसा देंगे और पास्टर के हाथ में जाएगा, पास्टर मजा करेगा। बहुत गलत सोचते हैं, बहुत गलत।
आपको नहीं पता मिनिस्ट्री कैसे चलती है। एक बार मेरे, मैं तो कह रहा हूं, कोई आए यहां पर और पूरा हिसाब किताब अपने हाथ में रखे और चर्च चलाए, मैं सिर्फ यहां पर आकर वचन की सेवा करूंगा। कोई है ऐसा? संभालो भैया, कल को नहीं होगा तो अपनी जेब से डालना पड़ेगा चर्च के खर्चे, तब आपको पता लगेगा कि चर्च क्या है। अभी 90,000 रुपये हमने लगाया लैपटॉप वगैरह में ताकि आपको जूम मीटिंग अच्छी तरीके से मिले, 90,000। उसके बाद इसमें खर्च किया, हर बार कुछ ना कुछ हो ही रहा है, लेकिन कौन कर रहा है? परमेश्वर। हमें कोई कमी घटी नहीं है, और इसलिए मैं आज तक किसी से मांगता ही नहीं हूं। मैंने आज तक, आप सब लोग जानते हैं, आज तक आपसे मांगा नहीं। आज तक आपसे कहा कि भैया मुझे डॉक्टर के पास जाना है, कुछ फीस का आप करेंगे प्रार्थना मेरे लिए? कभी कहा आपसे? सोचिए आप, मेरे बच्चे का है एडमिशन, कभी आपको बोला? मेरी गाड़ी में पेट्रोल डालना है, मेरा पिता जिंदा है, मेरे पिता ने मुझको चुना है, अगर मैं आपसे मांगूंगा तो मैं अपने पिता की तौहीन कर रहा हूं, अच्छा नहीं लगेगा मेरे पिता को? आपका बच्चा अगर पड़ोसियों से पैसा मांगेगा आपको अच्छा लगेगा कि मैं हूं यार मां हूं उसकी, मैं पिता हूं, और मेरा बच्चा पड़ोसियों से पैसे मांग रहा है? नहीं, मैं हूं ना, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का आशीष मेरे साथ है, हमें मसीह में चलना आना चाहिए, हमें चलना आना चाहिए। हम समझते हैं कि हम अपनी बुद्धि से काम करेंगे, नहीं मेरे भाई, वचन के अनुसार चलो। वचन क्या कहता है? वचन क्या कहता है? परमेश्वर आपको, अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर आपको बताता है कि आपको क्या करना है, कहां करना है, कैसे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा राजा अगर 4:3-4 पढ़ेंगे तो वहां पर एक विधवा थी, और किसकी विधवा थी? एक प्रभु के चेलों की विधवा थी। उसके चेले ने, उसके पति ने साहूकार से पैसा लिया, और साहूकार आ गया उसके पास कि भाई तेरे पति ने पैसा दिया, पैसा वापस कर, नहीं तो जो दोनों बच्चे हैं मैं उनको लेके जाता हूं, उनसे काम कराऊंगा। और वो जो विधवा आई अलीसा के पास, और अलीसा के पास उसने कहा, विधवा ने, ऐसी सी बात है, उसने कहा तेरे पास क्या है? तेल है, जाके बर्तन इकट्ठे कर और तेल डालना शुरू कर। और 3:14 क्या कहता है? देखिए, उसने तेल डालना शुरू किया, पढ़िए बेटा 3:14। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसनियों से खाली बर्तन मांग ले, और थोड़े बर्तन न लाना, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा, और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेलना देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाए गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। उसके बाद तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को ये बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर क्षण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। प्रभु बताता है, तेल बेचकर ऋण भर दे, जितना तुझे कर्जा है उसको भर दे, और बाकी जो बचेगा उसका उपयोग कर। प्रभु बताता है कि आपको क्या करना है, प्रभु जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है। आपके बच्चे हैं उसकी फीस है, प्रभु जानता है कि आप खाना खाते हैं, प्रभु जानता है कि आपके घर में राशन आता है, प्रभु जानता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब आप दान दशांश ईमानदारी के संग देंगे, आपकी घर की चीजें नहीं बिगड़ेंगी। मैं आपको बताऊं,
आपका फ्रिज, आपका टीवी, आपका वॉशिंग मशीन नहीं बिगड़ेगा। आप दशांश में कमी रखेंगे, वो पैसा आपका ठीक कराने में निकल जाएगा। याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, हमें विश्वास के संग परमेश्वर के चरणों में, क्योंकि आपको नहीं पता है वही आशीष आपको मिलता है। जब तक आप उस चीज को बोएंगे नहीं, तब तक आप उस आशीष को, फसल को नहीं प्राप्त करेंगे। सीधी सी है, जब तक आप बोएंगे नहीं काट सकते। आपने समोसा बनाया ही नहीं और आप चाहते हैं कि मैं बेचूं, बेच पाएंगे? बनाना पड़ेगा ना उसके लिए। हम बाइबल पढ़े ही ना और सोचे कि बाइबल हमें समझ में आ जाए, कैसे होगा? हमें बाइबल पढ़नी पड़ेगी और जब बाइबल कहती है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। आप देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है कि नहीं करता है? आप चर्च आ रहे हैं, बाइबल के वचनों को सुन रहे हैं, लेकिन उस पर चल नहीं रहे। फिर आप परमेश्वर पर दोष कर रहे हैं कि मैं 10 साल हो गए चर्च आते हुए, मुझे आशीष नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा मेरे भाई? आप चल नहीं रहे हैं, आप उसके अनुसार चल नहीं रहे हैं, इसलिए आप वहीं के वहीं हैं। आप करवटे ले रहे हैं अभी भी रात को, अभी भी आपके अंदर आनंद नहीं है, अभी भी आपके अंदर सुकून नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हमारे यीशु का नाम हमारे साथ है। कोई भी परीक्षा हमें रोक नहीं सकती है, कोई भी विपत्ति, कोई भी कठिनाई हमें सामना नहीं कर सकती है। अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं, अगर आपके जीवन में विपत्तियां आ रही हैं और वो नहीं जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आप सही तरीके से वचन पे नहीं चल रहे हैं। अगर आप वचन पे चलेंगे, देखिए परमेश्वर दान दशांश इसलिए मांगता है कि हम उसके स्वभाव में आ जाएं, उसका स्वभाव हम में आए, हमारे अंदर वो देने वाला स्वभाव होना चाहिए। हमारे अंदर वो स्वभाव होना चाहिए कि हम परमेश्वर को पहला स्थान दें। दान दशांश बताता है कि परमेश्वर पहला है, बाद में कुछ है। आपके पास 100 रुपए आता है, 10 रुपए निकाल दीजिए। 1000 आता है, 100 रुपए अलग, मेरे नहीं है वो, उसकी तरफ सोचिए ही मत। 20,000 आता है, 1,00,000 रुपए आता है, प्रभु के। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे पास 100 रुपए आता है तो हम 10 रुपए निकाल देते हैं। जैसे हमारे पास 25,000 आता है तो हमें लगता है अरे यार, अभी तो हमें 2,500 रुपए निकालने पड़ेंगे यार। और 2,500 में क्या क्या आता है, फिर इंसान काउंट करता है कि 2,500 में यार किराया भी मैं दे दूंगा और बच्चे की फीस भी चली जाएगी यार, और 2,500 चर्च में दे दूंगा सिर्फ, क्या होगा? और कौन देख रहा है, मैं दूं ना दूं, कौन देख रहा है? आप ये भूल जाते हैं कि जब तक आप बीज नहीं बोएंगे, तब तक उस आशीष को आप अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। या उसका कैमरा लगा हुआ है, उसका कैमरा लगा हुआ है। यस, आप नहीं जानते हैं, आपकी बुद्धि बंद हो जाएगी, आपके घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इब्राहिम ने लूत को बचाने के लिए 5 राजाओं के संग युद्ध किया और उसका सामान लेकर आया, उसका सारा सामान उन्होंने लेकर आया, और उस लूट का दशांश उसने मलक सिद्दीकी को दिया, जो कि एक याजक था शालोम का। अगर हम जेनेसिस 14 पढ़ेंगे, 18, 19, 20, तो हमें पता चलेगा ये क्यों किया। देखिए मैं आपको बताऊंगा। तब शालोम का राजा मलक सिद्दीक, जो परम प्रधान पर ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशांश दिया।
सब वस्तुओं का दशांश इब्राहिम ने मलिकी सिद्दीकी को दिया, जो चुना हुआ था, जिसको प्रतिज्ञाएं मिली थी, जिसको प्रॉमिस मिला गया था, जो कि मूल पिता था। क्यों परमेश्वर ने दिलाया? क्योंकि वो अपने 318 सेवकों को लेकर 4 राजाओं को पराजित कर दिया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसमें घमंड आ जाए। परमेश्वर नहीं चाहता है, इसीलिए वो उत्पत्ति 15 का एक क्या कहता है, वो कहता है मैं तेरी ढाल हूं। इब्राहिम को नहीं पता है कि 318 जो उसके सेवक थे सिर्फ उन्होंने नहीं जितवाया है, उस समय परमेश्वर उसके संग लड़ रहा था। आप जब बिजनेस करते हैं तो आपका परमेश्वर आपके साथ होता है। आप जब नौकरी पे जाते हैं परमेश्वर आपके साथ होता है, आप नहीं जानते हैं। इसलिए उसने 15 का एक में क्या कहा, उत्पत्ति 15 का एक, इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं और कोई नहीं है। तेरी नौकरी प्रतिफल नहीं है, तेरा धंधा प्रतिफल नहीं है, तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल मैं हूं। जिस दिन हम इस चीज को समझ गए कि हमारा प्रतिफल ईशु है, हमारी ढाल ईशु है, हमें देने वाला ईशु है, मेरा धंधा मेरा मुझे नहीं दे रहा है, मेरा दिमाग मुझे नहीं दे रहा है, मेरे बाप दादाओं का पैसा मुझे नहीं दे रहा है, प्रभु दे रहा है। आमीन। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे उस दिन परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बहेगा। और जब हम नहीं समझेंगे तो आप मलाकी का 3:8-9 पढ़िए, मलाकी 3:8-9। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी सुने, एक मिनट, क्या कह रहा है परमेश्वर कि क्या परमेश्वर को मनुष्य धोखा दे सकता है? वो कह रहा है हाँ, मनुष्य मुझे धोखा दे रहा है, क्योंकि वो अपने घर तो बना रहा है, वो अपनी जरूरतों की चीजें तो पूरे कर रहा है, लेकिन मेरी आज्ञाओं पे नहीं चल रहा है, वो धोखा दे रहा है। आगे, और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ, 9th, तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसी करती है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। आप सोचिए, जब आप परमेश्वर को लूटते हैं तो आपके ऊपर क्या आता है? श्राप, बंधन। आप चाह कर भी नहीं जा पाते, आपके सामने चीज पड़ी हुई आपको नहीं मिलती है, काम होते होते रुक जाता है, आपको सब कुछ आता है, अच्छे रास्ते मिल गए, आपको काम देने वाला आदमी मिल गया, पैसा देने वाला सब कुछ मिल गया, लेकिन पता चला मशीन खराब हो गई आपकी, आप समझ रहे हैं श्राप और बंधन को? जब आप परमेश्वर को लूटते हैं तो आपके ऊपर श्राप आता है और वो श्राप आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, आपके बच्चों पर आता है, आपके परिवार के ऊपर उसका असर होता है। लेकिन जब आप पूरी ईमानदारी के संग उसकी आज्ञाओं पर चलता है, यशाया 48:19 दोबारा पढ़िए बेटे, यशाया 48:19, तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता। आमीन। तेरा वंश जो है ना इतना बड़ा होगा बालू के तिनकों की तरह होगा। आमीन। कि आपका जो वंश है, आप ही हैं जो अपने वंश को श्राप देते हैं, या आप ही हैं जो अपने वंश को आप आशीष देते हैं? याद रखिएगा, आप हम अपने बच्चों को रोटी खिला देते हैं, हम बच्चों को बादाम खिला देते हैं, हम बच्चों को काजू खिला देते हैं और सोचते हैं कि हम बच्चों को अच्छी खुराक देंगे, चलो अच्छा पाल रहे हैं,
लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं तो वो जो श्राप जो बंधन है वो आपका आपके बच्चों पर जाएगा। याद रखिए, आप याद रखिए, आपका पैसा कुछ काम आने वाला नहीं है। आप कितना भी कमा लें, अगर आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अगर उसकी आज्ञाओं को आप नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा वो क्या कहता है 17वें में कि मेरी शिक्षा आपकी भलाई के लिए है। आपकी भलाई इसी में है कि आप उसकी शिक्षा के अनुसार चलें, और यह बाइबल इसीलिए बताई गई है कि कहीं भी अगर हमें जो भी जीवन जीना है वो बाइबल के अनुसार जीना है। इसलिए परमेश्वर ने इस बाइबल को दिया है। हम कहीं भी अटके, हम कहीं भी अपने जीवन में कोई निर्णय लेना चाहते हैं, ये बाइबल है जो हमें देगी, ये बाइबल है जिसके द्वारा हम चल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए विश्वास करिए। एक अंतिम पढ़िए मती का 6 का 24 मती 6 का 24 जल्दी पढ़िए। क्योंकि मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हाँ, आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, पैसा और परमेश्वर नहीं। आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, एक ही को स्वामी बना के रखिए। सुलेमान से परमेश्वर ने पूछा तुझे क्या चाहिए, सुलेमान ने कहा कि मुझे बुद्धि चाहिए। जब परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी और बुद्धि के साथ साथ मान सम्मान पैसा सब कुछ दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है कि हम किसको स्वामी बनाए। पैसा आपका स्वामी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कभी रुक नहीं सकता, हमेशा आपके पास टिक नहीं सकता है, और आपके अंदर रोज लालच और स्वार्थ का बीज पैदा होगा और आप परमेश्वर से दूर होते जाएंगे कभी भी। इसलिए दान दशांश अगर आप नहीं देते हैं तो मैं आपको उत्साह करता हूं, प्लीज दीजिए। अगर आप रोज का रोज कमाते हैं, अपना निकाल के अलग रखिए। संडे के संडे आए, आपने दे दिया, महीने का आता है, महीने का दे दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का अभिषेक आपको मिले और परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में हो जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी आज्ञा पर चलना है, बाकी वो काम करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। अब तक परमेश्वर ने आपको संभाला है, अब तक परमेश्वर आपको लेकर आया है, आगे भी लेकर जाएगा। इसलिए मत चिंता करिए आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, मत चिंता करिए। उसके राज्य की खोज करिए, बाकी सारी चीजें आपको पीछे आएंगी। हालेलुया। आज का वचन हमें अच्छा लगा? Yes. कितनों ने ग्रहण किया? Yes. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप नहीं देते हैं तो अगली बार से दशांश दीजिए ईमानदारी के संग, और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है कि नहीं। उसमें लिखा हुआ है कि मुझे परखो। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत 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 प्यार करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।